So guys, I used castor oil on my hair for overnight and castor oil is amazing for hair growth, but we don't like it. Par kyun? Because oil is very thick, very chip chip. But I want to use it. Par kaise? Yahi to fun part hai is video ka. To video last tak dekhiye taki aapko pata chal jaye ki castor oil kaise use karna hai, kab use karna hai, kitna use karna hai, use karne ke baad wash kaise karna hai aur kya actual mein castor oil se hair growth mein fayda hota hai. और आज शाउट आउट के विनर हैं ये यस कांग्रेचुलेशंस. वैसे ये सब तामझाम मैं इसलिए कर रही हूँ कि कैस्टर ऑयल के हेयर के लिए बहुत सारे फायदे हैं. स्कैल्प और हेयर को हाइड्रेटेड रखता है, हेयर ग्रोथ बढ़ाता है, हेयर को शाइनी एंड स्मूथ बनाता है, एंड नो फिजी हेयर. पर हमारा मेन प्रॉब्लम ये है कि कैस्टर ऑयल इज वेरी थिक, सो वी मिक्स इट विद कोकोनट ऑयल. और ऑयल मिक्स करने के बाद हम उसे थोड़ा सा गर्म करने वाले हैं कि जब आप ऑयल को गर्म करते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक में से पतली हो जाती है और इसे एप्लीकेशन करने में इजी हो जाता है. नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई. हेयर में अप्लाई करने से पहले हेयर को ठीक से कंघी कर लीजिए, डिटेंगल कर लीजिए. बालों में ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. आफ्टर ऑयलिंग आपको मसाज देना है ठीक से हल्के हाथों से, पर उससे पहले वन इम्पोर्टेंट स्टेप, यस कॉम्बिंग. हेयर को ठीक से हल्के हल्के हाथों से कॉम्बिंग कीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाए और स्कैल्प में ऑयल ठीक से पास हो जाए. फिर हल्के हाथों से मसाज दीजिए. ये मसाज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ड्राई एंड फिजी हेयर वालों ध्यान दो, ये आपके लिए जड़ी बूटी से कम नहीं है. Nice. हेयर में ठीक से स्मूथली मसाज कीजिए और एप्लीकेशन के बाद ठीक से बालों को बांध लीजिए. आप ब्रेड भी बना सकते हैं, पोनीटेल बना सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल रहे, पर बाल को खींच के बांधने की कोई जरूरत नहीं है. हल्के हाथों से ठीक से ब्रेड बना लीजिए. ब्रेड इज द बेस्ट. क्योंकि ठीक से बांधोगे नहीं तो हेयर जो है वो फेस पे, गर्दन पे, सब जगह घूमने चले जाएंगे और आपका फेस, आपकी गर्दन, आपके कपड़े सब ऑयली ऑयली हो जाएगा. तो चलिए ठीक से सो जाते हैं. गुड नाइट, आप भी सो जाइएगा. कल सुबह मिलते हैं हेयर वॉश के बाद. ओके गाइस, इस तरीके के वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है. एक दिन पूरा शूटिंग में जाता है, एक दिन एडिटिंग में जाता है, और इस तरीके के वीडियो में तो दो दिन देने पड़ते हैं शूटिंग के लिए, और मुझे कोई हेल्प ही नहीं करता. पर आप लोग तो हेल्प कर दीजिए, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए. वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सबको. सो गाइस, टुडे इज डे टू और हेयर वॉश करने से पहले हम हेयर को कॉम्ब कर देंगे ताकि फिर से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाए. और साथ में हम एक ट्विस्ट करने वाले हैं हेयर वॉश में. हेयर वॉश करने के बाद उसे लेमन वाटर से रिंस करने वाले हैं. लेमन वाटर से रिंस करने का एक फ़ायदा ये होता है कि खुशबू अच्छी आती है हेयर से, फ्रेश स्मेल. एंड दूसरी बात कि आपको अगर बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर आपको ईची स्कैल्प की प्रॉब्लम है तो ये भी दूर हो जाती है. और आपने इतना ऑयल लगाया है जो बहुत ज़्यादा स्टिकी है, और इस स्टिकी ऑयल को रिमूव करने के लिए और उसकी जो स्टिकीनेस है उसे रिमूव करने के लिए हमें ये करना ज़रूरी है. तो लेट्स कॉम हेयर एंड देन वील वॉश इट.
वॉन्ट दिस काइंड ऑफ रिजल्ट, तो आपको जो जो स्टेप्स मैंने बोले हैं वो सब फॉलो करने हैं और आपको एयर ड्राई होने देना है, बालों को नेचुरली सूखने देना है। नेचर के साथ जितना रहोगे नेचर उतना ही आपके बालों को सपोर्ट करेगा। ओके, तो रिजल्ट इज अमेजिंग, माई हेयर लुक सो सॉफ्ट, सो क्लीन, माई स्कैल्प इज सो क्लीन एज यू कैन सी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आया है और आप ऐसे ही वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ये ट्राई करने वाले हैं तो मुझे फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे टैग जरूर कीजिएगा, माय आईडी इज हियर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट सब्सक्राइब करो, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करो, बाजू में जो घंटी है उसे दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें और आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। माई इंस्टाग्राम आईडी इज हियर, फटाफट मुझे वहाँ पर फॉलो कर दो ताकि आप मुझे टैग भी कर पाओ यार, जो आप स्क्रीनशॉट लेके करने वाले हैं, याद है ना। और हाँ, अगर आपने ये वाला वीडियोस नहीं देखे तो देख लीजिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर हेयर।